हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज के लिए जो है हम टोटल 24 इंट्राडे के स्टॉक्स देखेंगे। 12 12 करके मैं बनाता हूँ, बट आज मैं सारे एक ही पार्ट में आपको बना के दे देता हूँ। पहला है कल्टन, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है 15379, और दूसरा है 161। हमें ध्यान क्या देना है, यदि 161 के ऊपर की हमें ओपनिंग मिल जाती है तो एक बार को नीचे रिट्रेस करने आ सकता है इस डोजी के ओपन को, इस डोजी के क्लोज को आप कह सकते हो एक तरीके से, जो कि है हमारा 155.52 का लेवल। और फिर ऊपर की ओर जो हमारा टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 167.92, जो कि इस कैंडल का हाई है। ओके, एंड देन वी कैन ट्रेल टू द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज़ 174.80, और वही जो ओपनिंग है वो हमारी 161 के नीचे हो जाती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, और जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 153.79 का लेवल, और नीचे की ओर जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा द हाई ऑफ दिस डोजी विच इज़ 144.15 का लेवल। ऑल राइट, एंड वी कैन स्टार्ट ट्रेलिंग फॉर दिस टारगेट फ्रॉम द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 148.45 का लेवल। इसके बाद अगला है CCL, यहाँ पे फिबोनाच लेवल रिट्रेसमेंट है और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 735 का लेवल। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है, यदि हमारी ओपनिंग हो जाती है 735 के ऊपर तो रिट्रेस करने आएगा इस कैंडल के हाई को, जो कि ये 728.95 के लेवल, एंड टारगेट्स रहेंगे हमारे अ क्लोजिंग अबव दिस फिबोनाची लेवल विच इज 757.55 के लेवल, एंड हमको जो क्लोजिंग है वो यदि मिल जाती है अबव 761.85 तो नेक्स्ट डे के लिए भी हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, ओवर और नीचे की ओर यदि 735 के नीचे की ओपनिंग होती है और रिटेस्ट करता है द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज़ 728.95 तो हमें शॉर्ट करना है। टारगेट रहेगा हमारे यहीं फिबोनाची लेवल, जो कि है हमारा 705.80 का लेवल, एंड टू द डाउन साइड वी कैन ट्रेल टू द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज़ 688.35 का लेवल। ऑलराइट, चलिए CCL के बाद अगला है केन्स। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि हमारा 5613.95। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वी नीड टू हैव ओपनिंग अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज़ 5742। 5742 के ऊपर ओपन होता है और नीचे रिटेस करने आता है 5613.95 के लेवल को, विल टेक अ लॉन्ग, द टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल, एंड देन वी कैन डू अ ट्रेलिंग कीपिंग द स्टॉप लॉस द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 5909.95। ऑलराइट, और यदि हमारी ओपनिंग जो है गैप डाउन करके इस डोजी के ओपन के नीचे हो जाती है जो कि 5709.50 तो हमें शॉर्ट करना होगा, एंड आवर टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 5560 का लेवल। ओके, चलिए अगला है गेल। गेल में सिंपल एक लेवल है, वो है फिबोनाची का लेवल है 208.61 का लेवल, इस फिबोनाची के ऊपर ओपन होता है, विल टेक अ लॉन्ग। ओके, लॉन्ग करेंगे एंड आवर टारगेट विल बी द लो ऑफ दिस कैंडल विच इज 214.44, एंड वी कैन डू अ ट्रेलिंग अप टू द फिबोनाची इनिशिएशन लेवल विच इज 215.80 का लेवल। ऑल राइट, ट्रेलिंग कैन बी डन अप टू दिस फिबोनाची लेवल और क्लोजिंग अबव दिस फिबोनाची लेवल विच इज 219.58 का लेवल। ठीक है, इसके बाद अगला है गोल्डियम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 389 का शार्प लेवल, 389 का शार्प लेवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हमें ध्यान देना होगा, अगर 389 के नीचे ओपन होता है और एज सून एज इट इज टचिंग 389 वी विल टेक अ शॉर्ट। ओके, एंड टारगेट जो रहेगा हमारा
वो रहेगा द ओपन ऑफ दिस कैंडल। ओके, और एक चीज़ और ध्यान देनी है, यदि हमारी ओपनिंग जो है आस फ्लैट ही आसपास होती है और इट टेक्स अ सपोर्ट, ओके, एट द हाई ऑफ दिस कैंडल, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, दिस लेवल इज 368 का शार्प लेवल। ओके, तो 368 विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा अ क्लोजिंग अबव द लेवल ऑफ 389 का लेवल। ऑल राइट, चलिए गोल्डियम के बाद अगला है जेनेसिस। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट लेवल देखने वाला जो है वो है 820.15 का लेवल। ओके, हमारी ओपनिंग 820.15 कहीं भी ओपनिंग होती है 820.15 के ऊपर और इसी को रिटेस्ट करती है, इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। द फर्स्ट टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 855.85 एंड वी कैन स्टार्ट ट्रेलिंग एज सून एज वी आर क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 834 का लेवल विच इज द हाई ऑफ दिस कैंडल। ओके, चलिए अब इसके बाद अगला है एरोफ्लेक्स। इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर हेयर इज द हाई ऑफ द जोन विच इज 199.30। ओके, अब ओपनिंग बेसिस पर हमें क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। द ओपनिंग शुड बी एनी वेयर बट शुड बी अबव द लेवल ऑफ 200.01 के ऊपर की ओपनिंग होनी चाहिए एंड देन इफ इट इज टचिंग 199.30 विल टेक अ लॉन्ग। द टारगेट विल बी द फर्स्ट टारगेट विल बी the high of this doji which is 203.40 and then we can do a trailing to the high of this candle which is 209.90 and a closing above the Fibonacci level of 213.61। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद एरोफ्लेक्स के बाद अगला है एंटेरो। सी यहाँ पे भी फिबोनाच लेवल पे ही हमें ध्यान देना जो कि 1439.15 के लेवल। ओके, 1439.15 पे हमें ध्यान देना है एंड द ओपनिंग शुड बी ऑन और अबव द लेवल ऑफ 1450 या उसके ऊपर ओपन होता है एंड आज सुना इट इज टचिंग 1439.15 विल टेक अ लॉन्ग एंड आवर टारगेट विल बी दिस फिबोनाच लेवल विच इज 1531.85 का लेवल। ऑल राइट, आई एम सॉरी मैं कल एनालिसिस नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ घर के काम थे और आई होप आप लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स डेली देख रहे हैं जो मैं एनालिसिस देता हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि येस प्रॉफिटेबल है। और आप लोग यदि सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कोर्स एनरोल कीजिए, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन 9205902888 एंड फिलहाल के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेरा चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। एंटेरो के बाद अगला है सीजी पावर। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है 735 का लेवल। ठीक है, 735 के नीचे यदि ओपनिंग होती है विल टेक अ शॉर्ट। ओके, और शॉर्ट करने के बाद आवर टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल विच 700 का शार्प लेवल। क्लियर है, एंड इफ यू आर गेटिंग ओपनिंग अबव द लेवल ऑफ 735 या फिर ऑन 735 विल इनिशिएट अ लॉन्ग। ओके, and the target, the first target will be the open of this candle which is 748 ka level and then we can do a trailing to get a closing above the level of 760 ka sharp level। theek hai, so this is for cg power ke baad agla hai beml। यहाँ पे बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न भी हो रहा है, इफ़ यू आर इनटू स्विंग ट्रेड्स आल्सो देन मैं आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ऑल्दो इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्विंग ट्रेड एनालिसिस। सी कुछ दिखा, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, एंड इट कैन गिव अ रिटर्न ऑफ मिनिमम 18.75%। ऑल राइट, चलिए वापस आ जाते हैं इंट्राडे पे और यहाँ पे हमें ध्यान देना है दो लेवल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ वी नीड टू हैव ओपनिंग अबव द लेवल ऑफ 4200 के ऊपर की ओपनिंग मिलती है इट विल कम डाउन टू रिटेस्ट द लेवल ऑफ 1
41.88.80 will initiate a long, and the target will be the filling of this gap, which is the level of 4425 का level उसके ऊपर की closing. और वहीं जो opening है हमारी 4200 और 41.88.80 के बीच में या इसके नीचे हो जाती है, तो फिर will be getting an opportunity to short, and our target will be the high of this candle, which is 3997.70 का level. Okay, opening is most important part in the trading journey, इसलिए हम pre market पे बहुत ज़्यादा focus करते हैं. BEML के बाद अगला है D-Link India. सी तो यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट जोन था, उसके अंदर अब हम एंटर कर चुके हैं. अब हमें क्या ध्यान देना है, वी नीड टू हैव ओपनिंग अबव द लेवल ऑफ 595.80 बिकॉज वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा. बट यस, उससे पहले और फिर उसके बाद जो है 595.80 या उसके ऊपर की ओपनिंग चाहिए. इट विल कम डाउन टू रिटेस्ट द हाई ऑफ दिस जोन विच इज़ 595 के लेवल, और जो हमारा टारगेट होगा, आ टारगेट विल बी यस द ओपन ऑफ दिस कैंडल विच इज 626.80. ऑलराइट, और कहीं भी यदि ये जो है जोन के नीचे, जोन के हाई के नीचे ओपन हो जाता है, ओके विच इज़ 595 के लेवल, 595 के नीचे यदि ओपन हो जाता है तो 595.80 को रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेगा, एंड विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट. टारगेट रहेगा 577.55 का लेवल. इसके बाद अगला INDGN इंडीजीन. सी यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें देखने होंगे, 694.80 और 689.95 का लेवल. ओके, 694.80 के ऊपर की ओपनिंग होती है तो 689.95 को टेस्ट करके हमारा लॉन्ग इनिशिएट होगा. द फर्स्ट टारगेट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 704.80 के लेवल, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी द फिबोनाची लेवल 704.05, एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वी कैन ट्रेल अप टू द लेवल ऑफ हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज 720.90 का लेवल. और यदि ओपनिंग हो जाती है 694.80 और 689.95 के बीच में इन द प्री मार्केट, विल टेक अ शॉर्ट, एंड आवर टारगेट विल बी द लेवल ऑफ 666.60. ओके, चलिए इसके बाद अगला है बी सॉफ्ट. पे ध्यान देना होगा, 582.10 के ऊपर की ओपनिंग होती है विल गो अलॉन्ग, एंड द टारगेट विल बी द लेवल ऑफ 595.80. यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 589.70 फिबोनाची लेवल पे या उसके ऊपर ओपनिंग होती है, विल वेट फॉर द रिटेस्ट ऑफ 582.10 एज सून एज इट इज टचिंग 582.80, एंड ऑल्सो इट कैन कम डाउन टू द लेवल ऑफ 569.50 टू रिटेस्ट इट. विल टेक अ लॉन्ग, एंड आवर टारगेट विल बी 595.50, द फिबोनाची लेवल ऑफ 613.75, एंड अल्टीमेटली अ क्लोजिंग अबव द लेवल ऑफ 628 का लेवल. ओके, और वहीं यदि 582.10 के नीचे ओपन होता है तो फिर यही लेवल रिजेक्शन का काम करेगा. इट कैन कम अप टू रिटेस्ट द लेवल ऑफ 595.50, विल टेक अ शॉर्ट, एंड द टारगेट विल बी 569.50 का लेवल. इसके बाद अगला है एलन. यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास, 234.69 एंड 233.37. फॉर गोइंग हायर वी हैव टू गेट अ ओपनिंग ऑफ द लेवल ऑफ 234.69, 233.37 को टेस्ट करने आएगा. द फर्स्ट टारगेट विल बी 246.51 का फिबोनाची लेवल, देन फॉलोड बाय 251.75 एंड 255.10. ओके, इफ यू आर गेटिंग अ क्लोजिंग अबव द लेवल ऑफ 251.75, देन नेक्स्ट डे के लिए हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लिक करेगी. और वहीं पे ओपनिंग हमारे 234.69 और 233.37 के बीच में या फिर बिलो द लेवल ऑफ 233.37 के नीचे ओपन होता है तो फिर फिर ये वाला जो लेवल ऊपर वाला 234.69, ये रिजेक्शन का काम करेगा. विल टेक अ शॉर्ट, एंड आवर टारगेट विल बी द हाई ऑफ द स्कैंडल, सॉरी द हाई ऑफ द स्कैंडल विच इज 221.80, एंड द फिबोनाची लेवल ऑफ 222.37. And also, if we are going long, we are having opening of the level of 234.69. It can come down to retest this doji. Okay, iska close ko test karne aa sakta hai, which is a level of 230.40. Chaliye, LN ke baad agla hai IMFA. See, ab yahan pe main kya dena dena hai, ek bahut acha Fibonacci level ka isko support mila hua hai, jo ki jisse kai bar rejection le chuka hai pehle.
714.55 के ऊपर या फिर 721.25 के फिबोनाची सेशन के ऊपर ओपन हो जाता है, इट विल कम डाउन टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ 710, विल टेक अ लॉन्ग, द फर्स्ट टारगेट विल बी 727 का लेवल एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस फिबोनाची लेवल, ओके, विच इज 729.75 एंड अल्टीमेटली इफ यू आर गेटिंग अ क्लोज अबव द लेवल ऑफ 748.90 का फिबोनाची इनिशिएशन लेवल, नेक्स्ट ट्रेड सेशंस के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी एंड ऑल्सो इफ यू आर गोइंग लॉन्ग वी कैन लॉन्ग फॉर टुडे वी कैन ट्रेल बाई कीपिंग अ स्टॉप लॉस ओके बिलो दिस लेवल 727 एज सून एज वी आर क्रॉसिंग दिस फिबोनाची लेवल टू द टारगेट ऑफ 767.75। चलिए इसके बाद अगला है JCHAC तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, पहला है 2057.90 दूसरा है 2100 का शार्प लेवल और उसके बाद अगला है 2173.80। ठीक है, सेम फंडा है, वी हैव टू हैव अ ओपनिंग above the level of 2100 and we can start trailing for the target of 2173.80 when we are crossing above the level of 2125 keeping a stop loss below the at the open of this doji which is 2125.40 all right check and we can trail up to this level which is 2235 ka sharp level ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है टेस्टी बाइट, यहाँ पे फिबोनाची ने बहुत अच्छा सपोर्ट दे दिया, नाउ वी हैव टू सी दिस फिबोनाची लेवल सॉरी जोन अच्छा सपोर्ट दे दिया है, वी हैव टू सी द फिबोनाची लेवल 12,401.90 के लेवल है, इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है या फिर शार्प 12,401.90 पे ओपनिंग हो जाती है, इट विल कम डाउन टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ 12,197 विच इज़ द हाई ऑफ द जोन, द टारगेट विल बी द फर्स्ट टारगेट विल बी the level of 12,800 and the next target will be a closing inside this zone and trail up to the closing above this level which is 13,651 ka level theek so this is for tasty bite chali iske baad agla hai capacite यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है फिबोनाची लेवल पे जो कि 379.95 इफ यू आर ओपनिंग अबव दैट विल टेक अ लॉन्ग ओके एंड टारगेट विल बी क्लोजिंग अबव दिस फिबोनाची लेवल विच इज 392.10 एंड द लेवल्स ऑफ 399 एंड 403.35 क्लियर है ओके कैपेसाइट के बाद अगला है GLS दो ही इंपॉर्टेंट लेवल्स जो पहले थे हमारे पास 1104.95 और 1047 इफ यू आर गेटिंग ओपनिंग बिलो द लेवल ऑफ 1104.95 वी विल टेक अ शॉर्ट एंड आवर टारगेट विल बी द फिबोनाची लेवल ऑफ 1050.95 एंड इफ यू आर हैविंग एन ओपनिंग अबव द लेवल ऑफ 1104.95 एंड अबव द लेवल ऑफ 111 इट विल कम टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ 1104 इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइडेड दैट इट इज ओपनिंग अबव और ऑन द लेवल ऑफ 1111 विल टेक अ लॉन्ग द फर्स्ट टारगेट विल बी द लेवल ऑफ 1146.15 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी अ क्लोजिंग अबव द फिबोनाची लेवल ऑफ 1175.45 ओके तो इस वीडियो में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक कवर किए हैं, जानबूझ करके 5 में आपको एनालिसिस नहीं दूंगा, सिर्फ चार्ट सिखाऊंगा, आप भी थोड़ा सा होमवर्क करो और थोड़ा सा देखो आप ओके द प्री मार्केट इज अबाउट टू स्टार्ट फॉर टुडे। GLS के बाद अगला है ADSL ओके दिस इज द चार्ट फॉर ADSL ADSL के बाद अगला है DCAL डिशमन कॉर्पोरेशन दिस इज द चार्ट फॉर DCAL ओके उसके बाद अगला है क्यूमिंस इंडिया
ओके दिस इज द चार्ट फॉर ह्यूमंस। इसके बाद अगला है ऑरम, ओके एंड देन इसके बाद है ICIL इंडो काउंट, ओके ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टोटल 24 स्टॉक्स फॉर टुडे फॉर 7th of November 2024। देन है आज थर्सडे या कई बृहस्पतिवार, ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू एनरोल द कोर्स, द कोर्स फीस 13,200 रुपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड यस अप्लॉज बहुत ज़रूरी है।